हेलो दोस्तों, डी के इंटेलिजेंट थिंक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यह बताऊंगा कि एसएससी जीडी का आंसर की अपने मोबाइल से कैसे चेक करें एवं पीडीएफ में डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। उसके लिए सिंपल से आप अपने मोबाइल में अजय मोबाइल में आने के बाद आपके मोबाइल में तो क्रोम ब्राउजर होगा, उसे ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद एसएससी करके सर्च करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, उस नेक्स्ट पेज में आंसर की लिखा है, यहाँ पर आंसर की पे क्लिक करना है। आंसर की में क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जो शुरू वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। वीडियो को लाइक कर दे। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन वाला पेज दिख रहा है वहाँ पे ब्लू लाइन में जो लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ब्लू लाइन में जो लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ नीचे पे सबमिट लिखा है, उस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करना है, खुलेगा उसमें लिखा है क्लिक हियर, जो ग्रीन में लिखा है क्लिक हियर, उसमें क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन लिखा है, कैंडिडेट लॉगिन करने के लिए यहाँ आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है। रोल नंबर आपका आईडी है और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ नीचे पे लॉगिन लिखा है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाके क्लोज पे क्लिक करना है, क्लिक हियर में आपको क्लिक करना है। जो अगला पेज खुलेगा उसमें आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर और आपका नाम और आपका एग्ज़ाम सेंटर लिखा है, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम और कौन सा सब्जेक्ट में आप पेपर दिए हो वो वहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। जो आप पेपर दिलाए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि आपका वही क्वेश्चन है जो आप एग्ज़ाम में दिलाने गए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो एसएससी द्वारा यहाँ दूसरा आंसर को सही बताया गया है, जो कि मैं यहाँ पे चौथा को सिलेक्ट किया हूँ। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद यहाँ ऊपर में कोने में लिखा है प्रिंट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसे तुरंत प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में सेव करने के लिए यहाँ जो दिया है वहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और उस पीडीएफ फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एसएससी आंसर की, और यहाँ पे नीचे पे जो सेव दिखा है वो सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। नीचे में जो सेव दिया है वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इस वीडियो से कुछ मदद मिला हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।